क्यों इसके रिलेटेड बातें हो रही है उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें आपके सपोर्ट के बल पे ही हम यहाँ पर आगे बढ़ पा रहे हैं और बात करते हैं यहाँ पर अम, बाइंग uh, सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं आपने फाइनेंशियर एडवाइजर खुद की स्टडी करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है अगर आप हमारी फाइनेंशियर सर्विसेज लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट रीड कराना चाहते हैं तो आप हमें उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नंबर कर सकते हैं हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे तो आपके लिए तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किससे रिलेटेड एक्सिस बैंक से रिलेटेड एक्सिस बैंक से रिलेटेड क्यों मैं यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ दूसरे बैंकों की जगह कि उसके पीछे रीजन है तो एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक आपको बताइए कि, कितना बेहतरीन यहाँ पर शेयर नजर आता है यहां पर अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो देखिए दो लाख हजार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है डेट की बात करें डेट हम यहाँ पर देखते नहीं है आरो की बात करें फोर परसेंट पर आरो सी है इतना ही रहता है आरओसी पीई की बात करें बाईस के पीई पे मिल रहा है और आठ रुपए से शेयर यहाँ पर करेक्ट होकर सात सौ छत्तीस रुपए के आसपास मिल रहा है तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको अच्छे लेवल पर यहाँ पर शेयर मिल रहा है मैक्म चार्ट पैटर्न की बात करें मैक्सिम चार्ट पैटर्न देखिए अच्छा खासा ही है जैसे दूसरे शेयर्स का है सेम एज इट इज यहाँ पर इस शेयर का भी है और यहाँ पर बात करें कुछ और पैरामीटर्स की तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है <coughs> सॉरी यहाँ पर काफी बेहतरीन है यहाँ पर दिसंबर 2018 में यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट कितने थे यहाँ पर बात करें चौदह हजार चार सौ बारह बट बार पिछले बारह क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर इस बार के जो रिजल्ट थे वो यहाँ पर हाईएस्ट एवर रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे भी और वैसे भी इसके अलावा वैसे तो नहीं बात करेंगे बट ईयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छे खाते रिजल्ट थे नेट प्रॉफिट की बात करें तो हाईस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट था तीन करोड़ अब मैं क्यों इससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ तो देखिये मैं बात करूंगा इससे रिलेटेड कोटेक से कोटेक की बात करें तो देखिए चार करोड़

ग्रॉस एनपीएस पी यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पर कम होते हुए नजर आ रहे थ्री पॉइंट फाइव थ्री से पहले थ्री पॉइंट एट फाइव था लास्ट क्वार्टर में एक साल पहले चार पॉइंट अठारह था तो अगर बात करें ईरली क्वार्टरली बेस पे कम हो रहा है बट ग्रॉस नेट एनपीएस की बात करें वो थोड़े से यहाँ पर ईयरली बेस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे बट क्वार्टरली बेस पे घटते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर एक्सिस बैंक हर पैरामीटर पे यहां पर अच्छा खासा मुझे नजर आता है तो ईयरली बेसिस की बात करें ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा है लगभग छह गुना यहाँ पर कंपनी हो चुकी है पिछले बात करें यहाँ पर दस साल

आरो सी आरो यहां पर इतना ही मिलेगा आपको बताइए बैंक पच्चीस परसेंट के आसपास की होल्डिंग है डीआईस ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है इस क्वार्टर में याद रखिए और यहाँ पर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक के पास यहाँ पर ग्यारह परसेंट की यहाँ पर देखिए तो लगभग दो दो चार पांच परसेंट की सजा निकाल देते लगभग छह साढ़े छह परसेंट सात परसेंट की सजा यहाँ पर नजर आती है रिटेल इन्वेस्टर्स की और बड़े बड़े लोगों की तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की तो एक्सिस बैंक ऑलरेडी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है और यहाँ पर अभी अपने यहाँ पर ऑल टाइम हाई से काफी ऑल टाइम हाई अभी इसने लगाया था रिसेंट उसके बाद यहाँ पर शेयर रेट रेस होता हुआ नजर आ रहा है और इसके रिटर्न की अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पर अच्छे खासे इसके रिटर्न और अच्छे खासे यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है सबसे पहले आर की बात करें तो यहाँ पर देखिए थर्टी फाइव के आर पे शेयर चल रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेट कंसोलिडेशन के फेज में यहां पर यहां चलता हुआ नजर आ रहा है बट इससे पहले एक चीज और दिखाना चाहूंगा जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई है निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक यहाँ से दोबारा ओवर यहाँ पर ऊपर जाने अपसाइड जाने की कोशिश करेगा और शायद आपको बहुत जल्दी अच्छे खास यहाँ पर आ, और लेवल यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आए जो की यहाँ पर बनते भी है इसके तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की तो एक्सिस बैंक पर हमें क्या नजर आ रहा है क्या टारगेट नजर आ रहे हैं उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं तो एक्सिस बैंक के सबसे पहले टारगेट की बात करें तो एक्सिस बैंक के सबसे पहले टारगेट हमारे यही है जो यहाँ पर रिसेंट हमारा इसने बनाया अपना हाई बनाया था लगभग एटीन परसेंट यहाँ पर टारगेट यहाँ पर नजर आते हैं बट ये यहाँ पर कम नहीं होता थोड़ा सा और यहाँ पर अगर आप इसे टाइम देंगे तो यहाँ पर ये यह शेयर आपको और बेहतरीन

फिर इसके बाद यहाँ पर इसने शोल्ड यहाँ पर रिवर्स साइड एंड शोल्डर बनाया ऊपर निकल ही रहा था फिर यहाँ पर ये यहाँ पर नीचे आ गया फिर इसके बाद दोबारा यहाँ से जाते के ये शायद ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और अच्छे खासे टारगेट नजर आएंगे तो इसके अगर हम टारगेट की बात करें तो इसका अगर हम लो से बिल्कुल ले लेते हैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं चार्ट पैटर्न को तो अगर हम इसके लो से यहाँ यहीं से कंसीडर कर लेते हैं तो इसके अच्छे खासे रिटर्न हमारे सामने नजर आएंगे जो कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा तुरंत नहीं आएंगे क्योंकि बैंक ऑफ फाइनेंशियल है ये जब भागता है भागता है नहीं भागता है, तो ये काफी टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है तो बारह सौ रुपए के यहाँ पर तेरह सौ रुपए के टारगेट नजर आ रहे हैं और तेरह सौ रुपए का मतलब है लगभग अस्सी नब्बे परसेंट के यहाँ पर टारगेट नजर आ रहे हैं तो इसे यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न और बनता हुआ नजर आ रहा है और वो कौन सा चार्ट पैटर्न है वो यहाँ पर एक और बेहतरीन चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास का ये चार्ट चार पैटर्न जो यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है इसे आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएगी कि क्यों यहाँ पर ये जो रहा है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर एक यहाँ से ही कंसीडर कर लेते हैं या यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं इसे यहाँ पर एक शोल्डर बनाया इसने छोटा सा फिर इसके बाद यहाँ पर इसने हेड बनाया फिर यहाँ पर भी एक शोल्डर बनाया फिर यहाँ पर एक छोटा सा शोल्डर बनाया और यहाँ पर नीचे आके ये चीजें यहाँ पर अब निकलती हुई निकल आएगी रिवर्स कॉम्प्लेक्स रिवर्स एंड शोल्डर पर बनता हुआ नजर आ रहा है उसके टारगेट की बात करें तो इसके टारगेट काफी बेहतरीन यहाँ पर और भी ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे यहां पर यहाँ तेरह सौ के टारगेट नजर आ रहे थे यहाँ पर इसके टारगेट थोड़े से और बढ़ते हुए नजर आएंगे तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके टारगेट कितने नजर आ रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेते हैं इसे तो यहाँ पर लगभग साढ़े तेरह सौ रुपए के टारगेट नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ लगभग लगभग आपके यहाँ पर तेरह सौ को भी अगर आप कंसीडर करके चलते हैं तो अच्छे खासे 80 परसेंट के टारगेट के लिए आप यहां पर जा सकते हैं बट यहां पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस तरीके का चार्ट पैटर्न और कहीं बन भी नहीं रहा है आई की बात करें तो वहां पर हजार रुपए तक जाने की गुंजाइश लग रही है बट एक्सिस बैंक और भी यहां पर एग्रेसिवली काम कर सकता है नंबर आपने यहाँ पर देख ही है कम यहाँ पर बीस परसेंट तो नीचे आ ही चुका है एक्सिस बैंक आई जी बैंक से ज्यादा अभी एक्सिस बैंक यहाँ पर अच्छा खासा नजर आ रहा है अच्छे खासे यहाँ पर रेवेन्यू आ रहे हैं यहाँ पर एनपीएस वगैरह कम होते हुए नजर आ रहे हैं कैश फ्लो अच्छा खासा है FIs, uh, ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है सारे पॉजिटिव फैक्टर यहाँ पर इस बैंक में नजर आते हैं और बैंक का जो निफ्टी बैंक है वो भी भागता हुआ नजर आया निफ्टी बैंक का एक पार्ट भी है ये तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट करना और सीखना है सीखने की कोशिश करिएगा इस वीडियो को लाइक करिएगा दूसरी वीडियो जाके देखिए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस